मैंने हमेशा कहा है कि मेरे लिए मेरा भी एक MY समीकरण है। कुछ लोग MY समीकरण में जातीयता देखते हैं, सांप्रदायिकता देखते हैं, पर मेरे लिए मेरा MY समीकरण महिलाओं का है, युवाओं का। युवा अपने आप को मैं मानना चाहूंगा, मैं 3 बार का सांसद हूँ, इन सब में सबसे ज्यादा सीनियर मैं हूँ। 3री बार बिहार की जनता ने मुझे सौभाग्य दिया, और मेरे लिए ये बड़ी बात है कि जो विश्वास गठबंधन और प्रधानमंत्री जी ने हम लोगों पे रखा, उस विश्वास पर हम लोग खड़ा उतरे, 5 सीटें लड़े, 5 सीटें जीते, और अब पूरा गठबंधन, पूरा NDA एकजुट होकर प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हम लोग केंद्र में सरकार बनाने जा रहे हैं। मेरे मुख्यमंत्री चट्टानी एकता की तरह NDA गठबंधन के साथ थे। रामविलास पासवान जी का कोई 2019 में भी 100% स्ट्राइक रहे, उन्हीं का अंश 2024 में भी 100% स्ट्राइक रहे। आज लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के लिए, हम लोगों के लिए एक बड़ी जीत है। एक ऐसी पार्टी जिसको तोड़ने का प्रयास किया गया, जिसका नाम सिंबल छीन लिया गया, पर उसके बावजूद गठबंधन ने और मेरे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने विश्वास रखा, और विश्वास रखकर हम लोगों को 5 सीटें लड़ने के लिए दी। मैं बिहार की जनता का आभार प्रकट करता हूं कि एक नए नाम और एक नए सिंबल की पार्टी को जिस तरीके से बिहार की जनता ने अपना विश्वास जताया, और 5 सीट हम लोग लड़े और 5 की 5 सीट हम लोग जीते, 100% स्ट्राइक रेट के साथ हमारे तमाम प्रत्याशी आज भारत की संसद के सदस्य हैं। जमुई से अरुण भारती जी हैं, वीना जी हैं वैशाली से, शांभवी जी हैं तो सबसे कम उम्र की सांसद, सीता समस्तीपुर से मौजूद यहां पर राजेश हैं, खगड़िया से, ये तमाम वो चेहरे हैं जिस सोच के साथ बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट आगे बढ़ने का काम कर रहे हैं। मैंने हमेशा कहा है कि मेरे लिए मेरा भी एक MY समीकरण है। कुछ लोग MY समीकरण में जातीयता देखते हैं, सांप्रदायिकता देखते हैं, पर मेरे लिए मेरा MY समीकरण महिलाओं का है, युवाओं का है। और ये बात मैं सिर्फ कहने के लिए नहीं कहता, जब मैंने प्रत्याशियों का चयन किया और इन 500 सीटों पर जब टिकट बांटे गए, तो इसमें विशेषता इस बात का ध्यान रखा गया कि युवा चेहरों को मौका मिले। आप शांभवी को देख लें, आप राजेश को देख लें, आप अरुण जी को देख लें, ये वो चेहरे हैं जो पहली बार संसद जाएंगे, और ये वो चेहरे हैं जो कहीं ना कहीं बिहारी युवाओं को रिप्रेजेंट करते हैं, पढ़े लिखे। ये वो छवि है बिहार की जो बदलने की जरूरत है। अभी तक जब बिहार का जिक्र आता है, कहीं ना कहीं अपराध, भ्रष्टाचार की तस्वीर हम लोग को दिखाई देती है, बट जब ये चेहरे जाकर भारत की संसद में बोलेंगे तो वो बिहार की छवि उभर कर आएगी। वीना जी हैं, इनका अपना अनुभव, दूसरी बार की सांसद, युवा अपने आप को मैं मानना चाहूंगा, मैं 3 बार का सांसद हूँ, इन सब में सबसे ज्यादा सीनियर मैं हूँ। 3री बार बिहार की जनता ने मुझे सौभाग्य दिया, पर हाँ, मेरे लिए ये बड़ी बात है कि जो विश्वास गठबंधन और प्रधानमंत्री जी ने हम लोगों पे रखा, उस विश्वास पर हम लोग खड़ा उतरे, 5 सीटें लड़े, 5 सीटें जीते, और अब पूरा गठबंधन, पूरा NDA एकजुट होकर प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हम लोग केंद्र में सरकार बनाने जा रहे हैं, और 5 साल तक ये सरकार न सिर्फ मजबूती से चलेगी बल्कि देश को वो मजबूती देगी जिसका जिक्र मेरे प्रधानमंत्री ने किया था कि अभी ये ट्रेलर है, अभी विकास की कई गाथाएं लिखनी बाकी हैं। इन 5 सालों में नीतीश कुमार से क्या बातचीत हुई? नीतीश कुमार NDA के साथ है, मेरे मुख्यमंत्री बनेंगे चिराग जी, आप सरकार में शामिल होंगे, आप सरकार में शामिल होंगे। पहले मैं मुख्यमंत्री जी का जवाब दे देता हूँ। मेरे मुख्यमंत्री चट्टानी एकता की तरह NDA गठबंधन के साथ, मेरा ये विश्वास न सिर्फ चुनाव दौरान जिस तरीके से जनता दल यूनाइटेड तमाम नेताओं का NDA के प्रति, गठबंधन के प्रति जिस ईमानदारी के साथ सबने कैंपेन की, आज सुबह मैं मेरे मुख्यमंत्री जी से मैं मुलाकात करके भी आया हूँ, और ये मेरे विश्वास को बढ़ाता है कि NDA गठबंधन पूरी तरीके से एकजुट है। मुख्यमंत्री जी की एक अहम भूमिका रही है हम लोग के प्रदर्शन में,
इससे पहले कि आप लोग ये सवाल पूछें, हाँ कहीं ना कहीं हम लोग चूके हैं अपने लक्ष्य से, पर अगर आप बिहार को देखेंगे तो बिहार को हम लोगों ने बहुत संभाला है और बिहार के संभलने में एक बड़ा योगदान मेरे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का भी रहा है, प्रधानमंत्री जी का नेतृत्व एक बहुत बड़ा कारण रहा। ऐसे में एनडीए गठबंधन पूरा एकजुट है और ये एकजुटता न सिर्फ शपथ ग्रहण में आपको दिखाई देगी बल्कि उसके बाद 5 साल के दौरान भी दिखाई देगी। नीतीश के मंत्री कह रहे हैं कि उनको प्रधानमंत्री बनाया जाए, रमा खान के जो मंत्री कह रहे हैं कि नीतीश को प्रधानमंत्री बनाया जाए एनडीए की तरफ से। देखिए मुझे लगता है प्रधानमंत्री के लिए कोई वैकेंसी फिलहाल नहीं है। चिराग जी, 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 आपका इन बयानों पे क्या रहेगा? मुझे ये भी नहीं पता कि ये बयान या ये चर्चाएं भी कहां से आ रही हैं। मेरे लिए ये हर्ष की बात है कि मेरे प्रधानमंत्री तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। आप सब मेरा समर्पण मेरे प्रधानमंत्री के प्रति जानते हैं। ऐसे में मेरे लिए आज की तारीख में हर्ष की बात यह है कि वो तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे। मंत्रिमंडल में उनके साथ कौन होगा और कौन नहीं होगा ये पूर्णतः विशेषाधिकार मेरे प्रधानमंत्री जी का ही। चिराग जी अपमान है, चिराग जी आपने कहा प्रधानमंत्री का अपमान है। उन्होंने एक साथ बोला कि हनुमान जी ने संजीवनी बूटी उठा ली थी। सरकार इस वक्त खतरे में है क्योंकि बार बार ये माना जा रहा है कि चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार की स्थिति अभी तय नहीं है, तो क्या आपको लगता है कि आप वो भूमिका निभाएंगे कि नीतीश कुमार से बात करके? मैं स्पष्ट कर दूं, सरकार बनाने को लेकर या सरकार को लेकर कहीं कोई संशय किसी के भी मन में नहीं होना चाहिए। प्रधानमंत्री जी बहुत जल्द, और मुझे लगता है अभी एनडीए की बैठक है, हम लोग को डेट की भी जानकारी हो जाएगी, बहुत जल्द शपथ लेने जा रहे हैं और एनडीए पूरी एकजुटता के साथ जनादेश एनडीए को मिला है। विपक्ष जरूर प्रयास कर रहा है उसमें सेंधमारी, ये वही विपक्ष है जिनके लिए विचारधाराएं सिद्धांत मायने नहीं रखते, पर ये जनादेश आज मेरे मुख्यमंत्री जी की पार्टी के जितने सांसद हैं वो भारतीय जनता पार्टी, लोक जनशक्ति पार्टी, रामविलास के कैडर समर्थक के वोटों से जीते हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी के जितने उम्मीदवार हैं वो लोक जनशक्ति पार्टी, जनता दल यूनाइटेड के कैडर से जीते हुए हैं। मेरे जितने उम्मीदवार हैं उसमें मुख्यमंत्री जी की पार्टी के कैडर का, भारतीय जनता पार्टी के कैडर का बहुत बड़ा योगदान है। हम लोगों के तमाम प्रत्याशी एनडीए के सपोर्ट से हम लोग जीते हैं। ऐसे में जनादेश के साथ कोई भी एनडीए का घटक कतई नाइंसाफी नहीं करेगा। एनडीए के लिए जनादेश था, एनडीए की सरकार बनी। लेकिन चिराग जी आपने कहा मोदी जी के हनुमान है, इस सरकार में मोदी जी के हनुमान की भूमिका क्या रहेगी? मुझे नहीं पता क्या भूमिका रहेगी, बट हम सरकार के साथ मजबूती से, मैं मेरे तमाम सांसद इस सरकार के साथ पूरा भरोसा। चिराग जी, नीतीश कुमार से जब आपकी मुलाकात हुई तो क्या सरकार के गठन के बारे में बात हुई कि क्या वो सरकार में शामिल होंगे, एनडीए के साथ वो मजबूती से खड़े, इसके बारे में बात हुई? देखिए गठबंधन को लेकर आज शाम की बैठक है, तमाम एनडीए के घटक दल उसमें मौजूद रहेंगे। मेरे मुख्यमंत्री जी खुद, वो भी दिल्ली, उनका आगमन हो चुका है, होने वाला है, हो गया। वो दिल्ली तेजस्वी के साथ आएगी फ्लाइट में, ये संजोग है कि दोनों अगल बगल बैठे, साथ भी बैठे। मुझे नहीं पता, मैं उस फ्लाइट में नहीं था, बट हाँ मैं ये मानता हूँ कि आज शाम की बैठक में ये सारी बातें तय होंगी। मेरी जो सुबह मुलाकात थी, मेरे मुख्यमंत्री हैं, उम्र, रिश्ते, तजुर्बे हर लिहाज में मुझसे बड़े हैं, उनका आशीर्वाद, हम सभी पांचों सांसद हम लोग गए थे, उनका आशीर्वाद हम लोगों ने लिया, उन्होंने बधाई दी हम लोगों को 5 की 5 सीटें जीतने पर, उन्होंने इसको एक बड़ी उपलब्धि बताते हुए हम पांचों को उन्होंने आशीर्वाद दिया, बधाई दी, सिर्फ यही बातचीत हुई है, सुबह और कोई नहीं। स्ट्राइक रेट आपने कुछ नहीं मांगा सर, ये उम्मीद थी आपको? स्ट्राइक रेट बिल्कुल उम्मीद थी, पूरा विश्वास था। रामविलास पासवान जी का खून हूँ, 2019 में भी 100% स्ट्राइक रेट, उन्हीं का अंश हूँ, 2024 में भी 100% स्ट्राइक रेट।